हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्नेहा। आज मैं आपको अपने इंडोर गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू दूंगी, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको अपने सकुलेंट दिखा देती हूँ, जिनको कि मैंने कल रात की बारिश की वजह से इनको यहाँ पर सारे शिफ्ट कर लिए हैं, क्योंकि वहाँ अगर बहुत तेज़ बारिश में रहते तो ये पूरे प्लांट मेरे ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा छाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे कवर कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने सारे सकुलेंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती जाऊँगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला प्लांट और मेरा ये प्लांट, ये मैंने कटिंग से दोनों को ग्रो किया है। इस प्लांट से ये इसका मदर प्लांट है और मैं इसको भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ऊपर से मैंने दो ब्रांच इसकी कट कर ली है और नीचे से एक छोटा सा न्यू बेबी आ रहा है, तो ये एक न्यू अलग प्लांट मेरा बन जाएगा। और दो प्लांट मेरे ये कटिंग से तैयार हो गए हैं लगभग। इसमें तो बहुत अच्छी रूट्स आ गई है जिसको मैंने रिपोर्ट कर लिया है। इसको मैंने अभी 23 तारीख को लगाया था, 22 या 23 तारीख को लगाया था मैंने ये दो कटिंग, ये कटिंग और एक ये कटिंग, ये तीन। और इसको मैंने और पहले लगाया था, लगभग 4-5 दिन पहले, इन तीनों से पहले। तो इसकी भी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए आप इसकी जो हालत है, अब आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी रूटिंग हो गई होगी, क्योंकि जब तक ये इसमें रूट्स नहीं आई थी तब तक ये प्लांट बिल्कुल मुरझाया हुआ सा था। और इसको मैंने इस प्लांट से कट करके, ऊपर का जो टिप था उसको मैंने कट करके इसको ग्रो किया है। तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से इस मौसम में चल जाते हैं। और इसका जो प्लांट है, इसको मैंने लीफ से प्रोपोगेट किया था। यहाँ पर देखिए, ये एक प्लांट यहाँ पर है, एक बिल्कुल छोटा सा है, ये देखिए। और मैंने यहाँ पे ग्रेवल्स भी कुछ डाल दिए हैं अपने पॉट में, ताकि जो मिट्टी जब हम पानी देते हैं तो मिट्टी छिटक करके प्लांट की पत्तियों में ना लगे, इसलिए ये देखिए सीडम जो मेरा पत्तियों से प्रोपोगेट हुआ था ये यहाँ पर और भी हुए हैं, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने इनको ग्रो किया है। और एक जो ये वाला कटिंग आप देख रहे हैं, इसकी लीफ ख़राब हो गई तो मैंने कल कट करके हटा दी है और प्लांट देखिए ग्रो हो गया है। ये इसकी कटिंग है, ये वाले प्लांट की, इस प्लांट की, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है। ये मैं नर्सरी वाले भैया से कटिंग दो लेकर आई थी जिनको मैंने लगाया था, ये देखिए दोनों प्लांट को। और ये भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मैंने जब उस समय इसकी भी मैंने कटिंग लगा दी, देखिए ऊपर की टिप को कट कर दिया और यहाँ से न्यू छोटे छोटे बेबीज बहुत सारे निकल रहे हैं। ये देखिए नोड एरिया जहाँ पर है, ये इसकी मैंने कटिंग यहाँ पर लगाई हुई है। ये क्रेसुला है जो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है और हर नोड से मैं न्यू ब्रांच निकल रही है। देखिए यहाँ छोटे से निकल रहा है। जब मैं इसको लेकर आई थी सिर्फ इनमें 4-4 पत्तियाँ थी जब मैं इसको लेकर आई थी, और बिल्कुल भी कटिंग में जो कटिंग थी उसमें रूट्स भी नहीं आई थी, रूट्स मेरे घर में ही इसमें आई हैं। तो ये मेरे सकुलेंट हैं। इधर देखिए मैंने पेपरोमियो को भी लीफ से प्रोपोगेट किया था, इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। और ये इसका मदर प्लांट है, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो ये तो मेरे सारे सकुलेंट हैं। उसके बाद ये है मेरे एग्लोनीमा, ये पिंक एग्लोनीमा है, और ये सारे लिपस्टिक एग्लोनीमा है जो एक प्लांट था, और उसके जो बेबीज निकले थे उन सबको मैंने अलग अलग लगा दिया था, तो मेरे पास कई सारे प्लांट हो गए थे, ये देखिए यहाँ से। और ये रूबी एग्लोनीमा है। तो एग्लोनीमा की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि विंटर में ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं इसलिए फिर भी इनकी ग्रोथ होती रही है। देखिए मेरे प्लांट में 3-4 पत्तियाँ विंटर में आई हैं सभी में। ये क्लोरोफाइटम स्पाइडर प्लांट, ये मेरा एक अरेका पाम है जिसको मैंने अपने बड़े वाले प्लांट से निकाल करके अलग एक प्लांट सेपरेट किया था। ये अरेलिया है, ये अरेलिया भी मेरे सारे कटिंग से लगे हुए अरेलिया हैं, और इसका भी रूट बॉल मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए इसके रेडियल रूट्स आप देखिए कितने ज़्यादा सुंदर है, छोटे से बोनसाई पॉट में लगा हुआ है, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है। और इसको मैंने हाइट भी कम रखी है क्योंकि मुझे छोटा प्लांट ज़्यादा पसंद है। ये बॉल अरेलिया है, इसको मैंने कुछ दिन पहले ही ऐड किया था, 4-5 महीने फिर भी हो गए हैं इसको लगाए हुए। और यहाँ पे मेरा सिंगोनियम है, ये अम्ब्रेला पाम है, सॉरी अम्ब्रेला प्लांट है, सफलेरा भी बोलते हैं इसको, सफलेरा बोलते हैं। ये पान का प्लांट है। और ये मेरे सारे सेंसिवेरिया हैं जो कि 2-3 प्लांट मेरे पास सिर्फ थे, उनसे ये प्रोपोगेट हो कि पूरे गमले इस तरह से फुल भर गए हैं। और मैंने कुछ क्रोटन के प्लांट में इसकी पत्तियाँ भी लगा दी थी, तो वहाँ भी बहुत सारे प्लांट ग्रो हो गए हैं इसके। ये जो अजवाइन का प्लांट है, ये वो है, और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसके प्लांट भी मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं, मैंने कटिंग से लगा लगा कर बहुत सारे, बिल्कुल सकुलेंट फैमिली का ही प्लांट है और देखने में बिल्कुल बहुत ही प्यारा लगता है। ये इम्पेशन है, बहुत सुंदर इसमें कलर आते हैं, मेरे पास 2 कलर और है इसके 2 प्लांट। ये देखिए अजवाइन की मैंने कुछ और कटिंग लगा दी थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनकी पत्तियाँ। और सकुलेंट का मुझे बहुत ही ज़्यादा
शौक है तो मैंने काफ़ी सारे ऐड किए हैं इस साल अपने गार्डन में। ये सीडम ग्रास है, ये देखिए छोटे से पॉट में लगा हुआ, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और इसके लिए मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है। देखिए इधर मेरे सारे अडेनियम हैं जो कल की बारिश से मैंने बहुत बचाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने इनको प्रोन भी कर दिया था इसलिए इनको बारिश से बचाना ज़रूरी था। और यहाँ पर भी एक एग्लोनिमा है, ये देखिए ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है। ये मेरे क्यूट से दो कैटरपिलर हैं जो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। ये सारे जेड प्लांट हैं। एक प्लांट मैं लेकर आई थी बिल्कुल छोटा, जितना आप ये देख रहे हैं इससे भी बहुत छोटा था, सिर्फ दो ब्रांच थी छोटी छोटी सी। और उसी की वो मेरे से कई बार मेरे बच्चों से टूट गया था, तो उसकी कटिंग लगाते लगाते मेरे पास आज ये लगभग एक साल हो गया है। एक साल में मेरे पास इतने सारे प्लांट बन गए हैं। ये देखिए लास्ट ईयर मैं विंटर में ही शायद लेकर आई थी इस प्लांट को, और उसी की इसी प्लांट की ये मेरा जो मदर प्लांट है और इसी की कटिंग से इतने सारी। ये देखिए ये पूरा गमला भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा है और ये भी। और यहाँ पर एक हाइब्रिड इम्पेशन है, इसमें भी कलियाँ आ गई हैं, इसमें शायद रेड कलर या फिर पिंक कलर के फ्लावर आएंगे। और कल की बारिश से इसका कलर बहुत ही प्यारा दिखने लगा है, इसको बारिश बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बारिश से इसका जो चमक है बिल्कुल आ गई पत्तों में। और एक प्लांट मेरा और है छोटा सा, इधर अडेनियम है, ये सीडम से जो पत्तियों से ग्रो हुए हैं वो वाला प्लांट है। ये हवर्थी मैंने लगाया है, इसमें भी उन्होंने ऐसे प्लांट मुझे दिया कि बिल्कुल रूट्स नहीं आई हुई थी। ये देखिए फिर भी मैंने इसको लगा दिया है, धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पर भी कुछ लीफ मैंने रखी हैं। और तो ये है यहाँ का मेरा छोटा सा इंडोर गार्डन, मैं थोड़ा दूर से दिखा दूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने अपने सकुलेंट ही ऐड किए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद मैं आपको इधर दिखा देती हूँ, ये देखिए मेरा अरेका पाम है, बहुत ब्यूटीफुल सा है और काफ़ी साल पुराना हो गया है, लगभग 6-7 साल हो गए इसको लगाए हुए। एक बड़ी सी बकेट में मैंने इसको लगा के रखा है, लगभग 15 लीटर की बकेट होगी ये बाल्टी प्लास्टिक की। ये देखिए इसमें मैंने इसको लगा के रखा है, इसी से मैंने ये वाला प्लांट निकाल कर लगाया है जो एक प्लांट और मेरे पास है। और यहाँ पर एक ये प्लांट है, पता नहीं ये सिंगोनियम जैसे दिखता है लेकिन सिंगोनियम नहीं है ये, फिर हो सकता है सिंगोनियम की ही वेराइटी है या फाइलोडेंड्रोन की वैरायटी है, दो में से एक की है किसी की, ये देखिए। और इसको दीवार के सहारे अगर मिल जाता है तो दीवार में ये ऐसे चिपकते चिपकते पूरा फैल जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये भी। इधर मैंने वैंड्रिक जू की भी कटिंग लगा ली है, मैंने थोड़ी समर की भी तैयारी शुरू कर दी है। इधर एक डिफन बेक है जो काफ़ी लंबा हो चुका है, ये देखिए पीछे साइड में। और यहाँ मेरे मनी प्लांट हैं, बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो होते हैं, मनी प्लांट मेरे हमेशा अच्छे रहते हैं। और यहाँ देखिए मैंने दो पॉट भी बनाए हैं, मैंने अपने अडेनियम प्लांट के लिए बनाया है और इसको मैंने थोड़ा सा भी सीमेंट का जो घोल है उससे फिर से थोड़ा क्लीन किया है ताकि इसमें जो थोड़ा खुरदुरापन था वो क्लीन हो जाए और अच्छे बन सके। ये देखिए क्रोटन है, क्रोटन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सारे आप जितने भी मेरे गार्डन में क्रोटन देखेंगे मैंने सारे कटिंग से ग्रो किए हैं। रेनी सीजन में इनकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। और आप इतनी छोटी सी ऊपर की टिप को, तो ये देखिए मेरे सारे मनी प्लांट हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी हैं। इनको मैंने कोयर स्टिक जो घर पे मैंने तैयार की थी उसी में लगाया हुआ है। और यहाँ देखिए मैंने टर्टल वाइन भी लगा दिया था छोटे से डिब्बे में, तो ये भी ग्रो हो गया है। और यहाँ पर भी मैंने कुछ कटिंग लगाई है टर्टल वाइन और ट्रेंगल हार्ट की, ये देखिए छोटे छोटे पॉट्स में, तो ये भी चल रही हैं धीरे धीरे। टर्टल वाइन तो एकदम ग्रीन हो गई है, ट्रेंगल हार्ट थोड़ा सा भी। और ये मनी प्लांट ही है सारे, ये देखिए मैंने यहाँ पे भी लगाई है कुछ कटिंग, अब इनकी भी ग्रोथ धीरे धीरे शुरू हो गई, पहले बिल्कुल मुरझाई हुई सी हो गई थी, अभी देखिए थोड़ी फ्रेश दिखने लगी है। और इसको मैंने पूरा कट कर दिया है, पूरी इस ज़मीन तक इसकी लेंथ हो गई थी तो मैंने इसी को कट करके बहुत सारी कटिंग अलग अलग लगाई है। ये देखिए यहाँ से ये बेबी टीयर्स है जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, ये देखिए। और यहाँ मैंने टर्टल वन की भी कुछ कटिंग लगाई है, ये भी अब ग्रो होने लगी धीरे धीरे। इधर टायर प्लांटर में भी लगा है कुछ, इसको भी मैंने पूरा नीचे से कट कर दिया, ये तो बिल्कुल एकदम कर्टन की तरह हो गया था बिल्कुल से पूरा, लेकिन थोड़ा ऊपर से सूख रहा था, नीचे की तो सारी ग्रीन थी तो मैंने इसको भी पूरा ऊपर से कट कर दिया है। और ये देखिए जो न्यू आ रही है बिल्कुल ग्रीन कलर की आ रही है। ये हमारा ड्रेसिना का प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, और एक मैंने आपको दिखाया नहीं शायद, ये देखिए इसी का छोटी छोटी बेबी जो थे नीचे की कटिंग्स जो थी मैंने लगा दी थी, तो ये देखिए कितना सुंदर सा हो गया है, बहुत ही प्यारा सा और छोटे से पॉट में लगा है, ये देखिए ये 3 इंच के पॉट में लगा है, बहुत सुंदर सा है ये। और ये सारे क्रोटन हैं, तो क्रोटन मैंने आपको बताया जितने भी क्रोटन मेरे हैं। और ये अभी तो मैंने कुछ को बड़े में लगा दिया, ये देखिए 6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और इनकी इतने बड़े बड़े से प्लांट में और काफ़ी बड़े हो गए। मैं इनको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह भी मैंने इनको
इस बार अक्टूबर में भी नहीं दिया था और लास्ट ईयर जब मैंने इनको रिपोर्ट किया था तभी का फर्टिलाइजर दिया हुआ है। अभी देखिए इनकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो गई है, जबकि इनमें कोई फर्टिलाइजर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं दिया है। तो अगर आप क्रोटन प्लांट को घना बनाना चाहते हैं तो अभी प्रूनिंग बिल्कुल भी मत करिए। प्रूनिंग अगर आपको करनी है तो आप रेनी सीजन में करिए, और नहीं तो आप ऊपर से इसकी टिप को पिंच कर सकते हैं थोड़ा सा ऐसे उंगली से पकड़ के। तो ये यहाँ से दो तीन ब्रांच निकाल करके प्लांट आपको घना होता जाएगा। तो मैंने तो खैर इसमें कभी नहीं किया है, मैंने प्रूनिंग वगैरह नहीं की थी, अपने आप ही इतने ज़्यादा घने हो गए हैं। और यहाँ पे दो प्लांट लगे हैं, देखिए एक प्लांट इसमें लगा हुआ, ये भी इसी तरह से बिल्कुल, देखिए कितने सारे सब ब्रांच अपने आप ही निकली, मैंने इसको कभी प्रून नहीं किया है। और एक प्लांट मेरा ये है, इसमें देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो अभी जो ग्रोइंग टाइम है बिल्कुल बसंत का मौसम आने वाला है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है पौधों की, चाहे वो इनडोर हो चाहे आउटडोर हो चाहे परमानेंट प्लांट हो। तो ये तो हमारे सारे परमानेंट प्लांट हैं। और इधर कुछ कोलियस हैं, पेंडानस है, और ये रिबन ग्रास है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ये अरेलिया देखिए, इसी की कटिंग ले लेकर मैंने अरेलिया के बहुत सारे प्लांट लगाए थे। ये जो हमारा थूजा का प्लांट है मोरपंख का, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया ड्रेसिना प्लांट, और इसको मैंने थोड़ा अलग कर दिया है, ये सिंगोनियम है। और यहाँ पे कुछ क्रिसेंथेमम मैंने रख दिए थे पॉलीबैग में लगे हुए हैं, ये मेरे कटिंग से ही लगे हुए हैं। ये एक लीफा का प्लांट है, और इधर बैकबोन ये देखिए यहाँ पर पीछे में, और ये देखिए इम्पेशन के मेरे पास दो कलर हैं, एक वेरीगेटेड है, और कल की बारिश से बिल्कुल इनके सारे फ्लावर झड़ गए हैं। कल रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई, अभी सुबह भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और बिल्कुल देखिए पानी भरा हुआ है पौधों में। और मेरे थर्ड फ्लोर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं उसको ठीक करूँगी धीरे धीरे। इधर देखिए सारे फ्लावर बिल्कुल पानी से भरे हुए हैं, और डहलिया के प्लांट मेरे बिल्कुल गिर गए थे ज़मीन में, तो उनको मुझे अभी ठीक करना है। कुछ मैंने सही किया है, कुछ अभी मुझे टाइम नहीं मिला था तो अभी पड़े हुए हैं वैसे ही। और ये देखिए मैंने कुछ समर की भी तैयारी की है, कुछ बेबी प्लांट ला करके मैंने लगाया है छोटे छोटे से, ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के हैं। ये एक मैंडविला का प्लांट है जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, इसकी स्टॉक देखिए कितनी ज़्यादा लंबी हो गई है, और मुझे इसको थोड़ा सा बड़े पॉट में और लगाना पड़ेगा, और थोड़ा इसको सहारा भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसकी बेल है ये वाइन वाला प्लांट है, इसमें बहुत सुंदर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी ट्रेंगल हार्ट और टर्टल वाइन की कटिंग भी लगाई है। इधर मेरे सीडम का प्लांट है, ये भी सीडम है, देखिए बिल्कुल पानी भरा हुआ है इसमें, खूब कल बारिश जो हुई है बहुत ज़्यादा पानी भरा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी मैंने लगाया है। मैंने अपने कुछ अडेनियम भी यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स, ये देखिए इसको मैंने फंगस लग गया था तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है, और लगभग 6 से 7 दिन हो गए हैं इसको मुझे निकाल के रखे हुए। थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा तभी मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मुझे किसी ने बोला था कि आप अपने इंडोर प्लांट परमानेंट प्लांट पे वीडियो बनाइए, नहीं तो मैं इसको हमेशा कवर, क्योंकि मेरा वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है विंटर के फ्लावर दिखाने में ही, तो मैं इधर बहुत कम आ पाती हूँ, कभी कभी दिखाती हूँ नहीं तो नहीं दिखाती, तो मैंने सोचा इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूँ। तो बस फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाय।